शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में पिशाच का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। एक दिन एक युवा पत्रकार नीरज को इस हवेली के बारे में सुनने को मिला। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह उस रहस्य का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। शाम ढलते ही वह हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाकर खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। नीरज ने अपने टॉर्च की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी पिशाच के जीवन का वर्णन कर रहे थे। तभी उसे एक कोने में पुरानी डायरी पड़ी मिली। उसने उसे खोला तो पाया कि उसमें पिछले मालिक ने अपनी आखिरी रात का वर्णन किया था। डायरी में लिखा था कि हर पूर्णिमा की रात पिशाच जागता है, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी न किसी की जान लेता है। नीरज ने जब यह पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि आज ही पूर्णिमा की रात है। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के भीतर एक छाया हिलने लगी। नीरज ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें जल रही अंगारों जैसी थीं। नीरज ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। वह आकृति उसके करीब आ गई और नीरज ने उसके मुंह से नुकीले दांत निकलते देखे। नीरज के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुल गया। एक बुढ़िया अंदर आई और पिशाच को कुछ मंत्र पढ़कर रोकने लगी। पिशाच कराहते हुए गायब हो गया। बुढ़िया ने नीरज को बताया कि वह पिशाच की रखवाली करती है और हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा को शांत रखने के लिए यहाँ आती है। नीरज ने राहत की सांस ली लेकिन उसकी आंखों में वो डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई। उसने गांव लौटकर हवेली की कहानी लिखी लेकिन कभी उस ओर दोबारा नहीं गया।